अमिताभ बच्चन को गुस्सा आता है तो लोग तरह तरह के कमेंट करना शुरू कर देते हैं। रात के 11:11 पर कल अमिताभ ने एक ट्वीट किया जिसे कई लोगों ने शेयर किया है, 296 लोगों ने, और 51 लोगों ने इस पर अपनी तरफ से पोस्ट लिखा और 7000 लोगों ने पसंद भी किया। तो यहाँ पर जरा आप जानिए, अमिताभ बच्चन ने लिखा, जी हाँ हुजूर, मैं करता हूँ बधाई प्रचार मंगलाचार, क्या कर लोगे। जी हाँ, प्रचार करते हैं अमिताभ बच्चन अपने बेटे की फिल्म 10वीं की। प्रचार करने पर जब वो ट्रोल हुए तो उन्हें कहा गया जब तक कश्मीर फाइल्स को वो नहीं प्रचार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बधाइयां वो देते हैं और बातें वो करते हैं, क्या कर लोगे कहकर उन्होंने गुस्सा निकाला। तो यहाँ पर लोगों ने उनसे कहा कि आखिर कितने पैग लगाते हैं ये रात में, ये कहकर मस्ती मजाक लोग भी अमिताभ बच्चन के इस तरह के पोस्ट पर करने लगे। क्या आप सबको मालूम है कि अमिताभ बच्चन को ट्विटर पर आए दिन ट्रोल किया जाता है। ये आपको बता दें, पेट्रोल डीजल मामले में फिर ट्रोल किया गया अमिताभ को। कहा गया, गाड़ी चला रहे हो या लोन लेकर डीजल पेट्रोल डलवा रहे हो साहब, ये कहा गया। जी हाँ, जया बच्चन ने भी महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं घेरते हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बार भी आवाज खड़े नहीं करते, जिसके लिए उन्हें जमकर गुस्सा का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर पेट्रोल के भाव पर जमकर उनके जोक्स का इंतजार हो रहा है, क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार पर उन्होंने पेट्रोल डीजल मामले पर जोक्स किए थे, मजाक किया था जब पेट्रोल बढ़ा था, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी थी। लेकिन आज बीजेपी की सरकार में जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो फिर उनसे ये नहीं कहा जाता कि वो इस पर जवाब दे। तो चलिए आपको बता दें कि आगे भी लोगों ने क्या कहा। लोगों ने कहा, जिसका दिमाग खराब होता है वो घमंड से चूर चूर होता है, जैसे कि आप सोच लो, ये भी कहा गया। तो जरा आप जानिए कि अमिताभ बच्चन से इस तरह के शब्द की उम्मीद लोगों को नहीं है। और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, और इसलिए महंगाई पर ना बोलकर अमिताभ तो आए दिन ट्रॉल होते हैं, फिर भी उनका गुस्सा किसी और बहाने से बाहर निकल ही आता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।